जिसका ईमान पक्का हो वही मुसलमान है सच्चा, और जिसके ईमान में खोट हो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और यदि आपका ईमान पक्का है तो आपको अपने बाप का नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है, अपना नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुसलमानों को भड़काने के लिए हो गया दे रहा है। मैं क्या भड़क रहा, क्या कह रहे हो तुम भाई साहब? क्या कर रहे हो? क्या बोले तूने? क्या कर रहे हो दोस्तों? एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ अंधभक्तों पर। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अंधभक्त कैसे हिंदू मुसलमान कर रहा था, लेकिन फिर इस भाई ने आके अंधभक्त की ऐसी कुटाई करी है। वीडियो देखकर आपको ही मजा आ जाएगा और आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे। तो बने रहे वीडियो में आखिर तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मुसलमान तो करो, मैंने कोई मुसलमानों को चिल्ला क्यों रहे हो? मुसलमानों को जिसने जो कह दिया वो हीरो बन जाएगा, आज ही अपनी बहू से पिटेगा, पिटते में कहेगा देखा आज मैंने मुसलमानों को कितना पकाया हूँ, देख मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर जे भाषण तेरे 304 से जाके अपना काम धाम कर लो, अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। और अपनी आइडेंटिटी बताने में किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लगता है तुम खा के ही मानोगे। सिर्फ गोल्डन ढाबा है तो सिर्फ गोल्डन ढाबा नाम ही क्यों लिखना है? उसे इमरान खान नाम का व्यक्ति चला रहा है, तो उसे इमरान खान या कुछ मुस्लिम ढाबा लिखने में क्या दिक्कत? रुको जरा भैया, मुझे पता नहीं गोल्डन ढाबा किसका है, और वो उसकी अपनी मर्जी है, वो कुछ भी नाम रख सकता है, गोल्डन ढाबा रख सकता है, इमरान रख सकता है। बात तो सही है। मैटर पे बात नहीं करे, मैंने तेरे पे बात करी भाई साहब। मुझे यही कह रहे हैं, वो चिल्ला रहे, मैं तो उस बात पे कह रहा हूँ। मुसलमान ने, किसी मुसलमान ने नाम छुपाया अपना? मेरा नाम मोहम्मद साकिर कुरैशी है, मैं कहाँ छुपा रहा हूँ बताओ? मैं आपको कल बता देता हूँ, कल मैं डासना में रिपोर्टिंग कर रहा था, बालाजी होटल का नाम था, और जब कल रिपोर्टिंग कर रहा था मैं, तब उन्होंने नाम चेंज करा, स्टार होटल नाम रखा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पहले बालाजी होटल नाम था भैया, पहले बालाजी होटल बालाजी नाम था, अभी स्टार की बात बता रहा हूँ। स्टार नाम किसका है? हिंदुओं का है? यह बालाजी हिंदुओं का, ये तो सभी का, ये कोई भी रख सकता है, ये तो देश है, इस देश में कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है, वो उसकी मर्जी है, उसमें ओनर का नाम तो चेंज नहीं करा उनने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनने बालाजी के नाम से श्री राम का नाम तो नहीं रख लिया अपना, या दिनेश नाम रख लिया इमरान ने अपना, नाम तो उसका इमरान ही रहा, ओनर का तो नाम इमरान ही रहा ना, होटल बालाजी था लेकिन नाम तो इमरान ही रहा ना मालिक का, ये मालिक का नाम चेंज करा उनने, बताओ। गुड क्वेश्चन। जी रहे हो, मैं आपसे भिड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, बिल्कुल सुनिए। यदि आप ये रिपोर्टिंग करके आते हो इनसे भी पूछ लीजिए, जब उन्होंने बालाजी नाम लिखा हो ना तो प्रॉपर राइटर इमरान नहीं लिखा हुआ, आप इनसे पूछ लीजिए। मैंने बालाजी नाम लिखा था तो इमरान नाम कहीं नहीं लिखा था। झूठ बोल रहा है कि देखिए ऐसा है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, समझ रहे मेरी बात को, जहाँ यदि किसी के आस्था पे प्रहार हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कोई भी मुसलमान हिंदू के आस्था पे प्रहार न करे और हिंदू मुसलमान की आस्था प्रहार न करे। बस हवा निकल गई।